जाने का टाइम आ चुका है। आज बना घर में शाही खाना। ये खा ले तू। अबे कुरकुरा स्प्रिंग रोल ले ले ले। दवाई की होती है। चाय के नाम पे चिल्ली गार्लिक चाउमीन कुरकुरे स्प्रिंग रोल स्टीम वेज मोमोज फुल फुल है सारी चीजें। पहले एरो ऑयल हो गया। हाँ ऑलिव ऑयल हो गया। चलो जाने का टाइम आ चुका है। To my place, I feel my heart erase. So catch me if I fall. आज बना घर में शाही खाना। शाही खाना में पूड़ियाँ और छोले। ये ऐसी ट्रीट मुझे तब देते हैं जब मैं शिप पे जा रहा होता हूँ। जब मैं शिप से आता हूँ तब ऐसी ट्रीट नहीं होती क्योंकि अब शिप पे जाने का टाइम है। टाइम टू टाइम सबको पॉकेट मनी मिले इसलिए अच्छी सी वाइफ और प्यारी सी मम्मी ये दोनों चीज़ें की जाती हैं। दो घर होने का फ़ायदा ये होता है कि एक घर में कोई और नाश्ता बनता है एक घर में कोई और। जैसी पूड़ी आई है अभी सैंडविच खाए जा रहे हैं और छोले पूड़ी भी। ये खा ले तू। अबे कुरकुरा स्प्रिंग रोल खा। ले ले ले। दवाई की होती है वो। शाम के समय पूड़ी खाने के बाद भी चाय पीनी है पकोड़े खाने हैं तो चाय के नाम पे चिल्ली गार्लिक चाउमीन कुरकुरे स्प्रिंग रोल स्टीम वेज मोमोज फुल फुल है सारी चीजें। ये सारी चीजें फुल फुल है। एक दो तीन चार पांच लोग पांच लोगों के लिए चार चीजें फुल प्लेट। 2000 years later. ये हमारी चाय हो रही है खाने में। ले ही आता हूँ नीचे जा रहा हूँ तो खाने का। खाने में वो गब्बर के ढाबे से मंगवाएंगे। गब्बर के ढाबे से मक्खी वाला। मक्खी वाला नहीं होगा आज नहीं होगा। ऐसे ही छोले भटूरे वाले के वहाँ पे छिपकली निकली थी कढ़ाई में। अब क्या कर सकते थे। हाँ सही में उनका भी टेस्ट अलग होता है भैया। तो खाने के बाद उनके पास गाजर दे दो और प्याज दे दो। शिप की ज्वाइनिंग के टाइम सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं। टेस्ट होता है फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है चाहे जिनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है मतलब जिनको सैलरी घर पर भी मिलती है उनको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं। डिक्लेरेशन आइसोलेशन सर्टिफिकेट प्री ज्वाइनिंग आपकी रिपोर्ट्स। शिप पे जाने से पहले एक और काम हो गया। पहले मेरे आईफोन का कवर ये वाला था। अब शिप पे जा रहे हो बेटर कि आप हार्ड केस लेके जाओ कि कहीं ना कहीं गिर गया तो। अच्छा 4-in-1 है ये 3-in-1 सॉरी ये तो स्लॉट हो गया ये हो गया। एक मिशन पूरा हो गया अब रहती हैं थोड़ी बहुत चीज़ें और जो मैं लेने जा रहा हूँ। गारो को ऑयल रहना रहता था मेरे मतलब जो मैं लेके जाता हूँ। गारो कहाँ पे है छोटी बॉटल। हमारा क्या होता है ना हम एक तो ट्रेड ऐसा करता है शिप और ऊपर से आपको अगर ठंडे में चले गए तो आपकी स्कैल पर इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मम्मी क्या करती है मेरे को घर पे ना बना के देती है ऑयल मैं वही लगाता हूँ। ये जिम के लिए शूज हैं वो दियो रे पन्नी आज वो मोटी सर्दियों के लिए मस्ट शिप की डायरी जिसमें सब कुछ होता है। ये चार शिपों से मेरे बस सेम है। हाँ ऑलिव ऑयल हो गया टूथपेस्ट हो गया ब्रश हो गया फेस वॉश हो गया और भागी डियो रख दो वो डियो की बॉटल। क्या लिखा जाए जल्दी वैसलिन की बॉटल हो गई सरफा शैम्पू लोफा और ट्रिविन डियो ड्राई। चलो जाने का टाइम आ चुका है। घर से अलविदा कहने का घर को बाइक को सारी चीज़ों को लावा को भी सी यू। चलो भाई अपनी मंजिल आ गई। अभी तो है वैसे अपनी मंजिल आ गई और मुझे बस लगता है हरियाणा रोती रहती है ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा देर रुकता नहीं हूँ बिल्कुल।
हेलो मम्मा आओ मोबाइल पे फोटो खींच लेते हैं। हां आ जा रेया, फोटो शूट करते हैं। चलो रेया बाय बाय मम्मा। चलो बाय बाय। अच्छा मैं तो मेरा भी मन था कि मैं ज़्यादा देर फैमिली के साथ रहूं, बट अगर आप फैमिली के साथ रहोगे ना तो एक तो जाने का मन नहीं कर रहा होता, और ऊपर से रिया को देख दुख के ना मुझे ऐसा लग रहा होता है कि रिया के साथ मैं रहूंगा तो फिर रिया और रोएगी और ज़्यादा वो सैड होगी, तो इसलिए मैं रह नहीं पाता। आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, और ऊपर से मैं रिया से ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि रिया से ज़्यादा बात करता तो फिर मन कर रहा होता कि नहीं रह जाऊँ। प्रिंट आउट लेना था, ये भी एक अलग ही चीज़ स्टार्ट हो गई है। पहले तो सॉफ्ट कॉपी में होता था कि आप सॉफ्ट कॉपी में एलो के ओके टू बोर्ड दिखा दो या फिर आप एलो जी दिखा दो लेटर ऑफ गारंटी, बट अब वो कहते हैं हाँ सॉफ्ट कॉपी नहीं हार्ड कॉपी ले गया। अब मैं इमिग्रेशन से वापस बाहर आया हूँ और यहाँ पे अभी फ़ोटो कॉपी कराऊँगा गेट नंबर 1 पे दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो फिर वहाँ से फिर से जाऊँगा। सॉफ्ट कॉपी होना सही है बट पता नहीं अब क्यों उन्होंने कर दिया। वैसे मेरे पास है 50 मिनट्स, अभी तभी कहते हैं 3 घंटे पहले आ जाओ इंटरनेशनल फ्लाइट में, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। सब सही में बहुत अलग ही हो गया है। मतलब पहले मैंने इमिग्रेशन की वो हार्ड कॉपी की वजह से अटक गया, फिर डेट नहीं लगी, फिर से दूसरी बार लाइन में, सो इन टोटल मुझे 3 बार लाइन लगना पड़ा, और जिसकी वजह से अब फिर खाने का भी टाइम नहीं, तो मेरा मन था कि मैं कुछ खा लूँगा। इट्स ऑलरेडी 11:50 और 20 मिनट में गेट बंद हो जाएंगे। अब चाय अभी टाइम लगेगा। फर्स्ट फ्लाइट इज ओवर, अब वेट है सेकेंड फ्लाइट का, थर्ड फ्लाइट का। 5:30 घंटे के लिए उसके बाद है सेकेंड फ्लाइट, और उसके बाद है फिर लास्ट फ्लाइट। नेक्स्ट फ्लाइट की डिटेल है यहाँ पे 178 होती है 12:30, तो 12:30 कहाँ पे जस्ट सो ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेन हैं एम ब्लॉक के लिए और एल ब्लॉक के लिए। मैं एम में हूँ और एल ब्लॉक सामने की तरफ है, तो आपको ट्रेन पकड़ के मतलब ट्रेन लेके, और ट्रेन के कोई चार्जेस नहीं है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे है, तो आपको यहाँ से पहले एम गेट पे जाना है और फिर वहाँ पे आपको सर्च करना है M24 के लिए। एक सारा का सारा सामान निकालना ना बड़ा बोरिंग लगता है। वहाँ हमारी फ्लाइट आई थी और ट्रेन से हम अंडरग्राउंड से यहाँ से सीधा चेक करते हुए हम ऊपर जा रहा हूँ अपनी फ्लाइट लेने के लिए M24 जो गेट नंबर है। वैसे यहाँ पे बहुत फास्ट है, आपको सारी चीज़ें नहीं निकालती और लैपटॉप वगैरह बाहर रख दो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ होती है गैजेट्स वगैरह बैटरीज वगैरह, तो मैंने कहा लैपटॉप अपने बैग में रखे रहने दो, बाकी चीज़ें जो छोटी मोटी हैं हार्ड डिस्क हो गई या फिर बैटरीज हो गई वो बस निकाल दो। स्लॉट मैं अपनी बहुत चीज़ भूल गया था, इतना सा सामान कभी कभी निकालते हैं ना, ये छोटी चीज़ें पता नहीं लगती और बैग के साइड में पड़ी हुई थी। 2 बॉटल्स या 2 6.5 यूरो का है, मतलब 6.5 यूरो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 90 रुपीज़ इंटू 6 यूरो 550 रुपये की 2 बॉटलें जो कि हैं 200 ml की, तो मतलब 550 रुपये का पानी पे जा रहा है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए, क्योंकि मुझे घर में आदत है पानी पी के पहले फ्रेश होने की। और रात से मतलब जब सब जेट लैग हुआ है ना, कि आप इंडिया से आए हो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7, इंडिया में बज रहे हैं 12, तो मैंने जेट लैग की वजह से पेट की तो अच्छी था खासी ऐसी की तैसी हो चुकी। मन नहीं आता है बाहर के वॉशरूम में ना, इनको जेट देने में क्या प्रॉब्लम है कि हैंड शावर नहीं देना, ठीक है एटलीस्ट वाटर जेट तो दे के रखो, यहाँ पे टिश्यू दिया होता है और उससे बड़ी यक वाली फीलिंग आती है। मतलब इंडियंस को होता नहीं है, जैसे हम सबको पता है कि हम टिश्यू यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ना जेट दिया होता है ना हैंड शावर दिया होता है, खाली टिश्यू दिया होता है, टिश्यू को भी काम में फेंकना है कमोड के अंदर,
मतलब शिप पे ये प्रैक्टिस ना सबसे गंदी होती है कि आपको मुंह के अंदर फेंक रहे हो, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ना प्रॉब्लम आ रही थी जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए।